वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब हमें ज्वाइन किया है नुमान बाजवा साहब ने, जो कि मार्केटिंग डायरेक्टर हैं ऐसे ग्रुप के। उनको हम वेलकम करते हैं और ये ऐसे ग्रुप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं 25th, 26th and 27th of January को। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया सर आपके आने का। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो अपने ऐसे ग्रुप के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं और फिर जो इवेंट है उसके हवाले से भी हम डिटेल। जी, ऐसे ग्रुप दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट प्रोजेक्ट ऐसे गार्डन्स अराउंड 10 years ago एंड इट इज ऑन GT रोड कालाशाका मोटरवे इंटरचेंज एंड इट इज अ बिट अवे फ्रॉम लाहौर बट you are very well connected through motorway and the new upcoming motorway that is Sialkot and Lahore motorway aur iske sath ye central location pe aa jata hai. You can be on the airport from SA Gardens in 20 to 25 minutes through new motorway that is connecting Lahore and Sialkot. Theek hai. So it is between two motorways on GT road junction, center of Punjab. So many activities happening there. Lovely, this lovely. Is what so abhi jo event organize hone wala hai village heritage festival, right? Ji ji, iske hawale se details dijiyega, kya kis tarah ka event hai ye? Ye Babar Raja sahab hain ji, inhone agri tourism ka ek silsila shuru kiya hua hai aur jab inhone hamare sath rabta kiya ki hum ye cheez karna chahte hain, apni jo local village heritage hai usko hum promote karte hain. So what I believe is that we have a very rich culture and we need to give due focus to our culture. And agar hamara culture zinda hai, jo hamari riwayat hain, jo hamara sakafat hai, jab wo hamare saath hoti hai, kyunki ye 7000 saal purani sakafat hai jisme hum reh rahe hain, to isme wo sari cheeze hain jo shayad ab log bhoolte ja rahe hain, jisme rahat ka kuan jise hum tinda wala khoo kehte hain, uske baad charkha kaati hui ladki, पराठे पकाती हुई खवातीन, दाने भूनते, सो ये सारी जो कल्चरल चीजें हैं ये उसको दोबारा से ना सिर्फ ये जिंदा कर रहे हैं, उसको लाइव प्रेजेंट करते हैं जिस जगह पे भी जाते हैं। देयर कॉन्सेप्ट इज दे टॉक टू डिफरेंट पीपल, वो उनको एक खास जगह दे देते हैं, उस खास जगह के ऊपर वो एक एग्री टूरिज्म के लिए ऐसा माहौल बना देते हैं कि जहाँ ये सारा विलेज का कल्चर मौजूद होता है, सब्जियां, फल, मुख्तलिफ चीजें जो उगती हुई वहां पे फॉर्म पे बच्चे जाके स्कूलों के जाके वो देख सकते हैं। तो इस तरह के इवेंट्स ये ऑर्गेनाइज करते हैं, हमारे साथ मिलके इन्होंने काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं विद इन ऐसे गार्डन्स, 4 हमने इवेंट्स इनके किए हैं अपने ऐसे गार्डन्स में। देन दे वेंट टू फैसलाबाद, दे वेंट टू मुल्तान, जब हम सरगोधा जाते हैं तो इट इज़ एन ऑरेंज रिच सिटी, तो उसके इर्द गिर्द जितने गाँव हैं वहाँ पे किन्नो और इस तरह की चीज़ें हैं, मुल्तान में आम है, तो उस तरह के फोकस्ड ऑन दैट वो फेस्टिवल्स ऐसे लोकेट करते हैं जहाँ पे ये कल्चरल एक्टिविटीज ज्यादा हैं। देखें मुल्तान इज इंटरनेशनली नोन एज अ मैंगो सिटी, खासियत होती है ना। जी जी जी, तो वो जिस जगह की जो खासियत है वहाँ के वो फेस्टिवल, मतलब आप अगर स्पेन में देखें तो वहाँ टोमेटिनो अगर हो रहा होता है या मुख्तलिफ चीजें, तो यहाँ पे भी जो जो चीजें हैं, पोटैटो हमारे पास बहुत ज्यादा है, पोटैटो से लाहौर में आपको इतनी खासियत क्या क्या मिला, लाहौर में आपने किस चीज को टारगेट किया? लाहौर अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था, पूरे पंजाब की सकाफत को इकट्ठा करके वो यहाँ ला के, टेंट पैकिंग इज आल्सो इंक्लूडेड राइट? इसमें 4 चीजें हैं जी, एक टेंट पैकिंग है, उसमें 70 के करीब घोड़े हैं जो आके तो अपना वो पाकिस्तान के सफे अव्वल के टेंट पैकिंग के लोग जिनको क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने भी बुलाया हुआ है कि जी आप आके तो ये हमारे पास भी शुरू करें। देन ऑफ कोर्स इज कबड्डी टूर्नामेंट, अराउंड 70 टीम्स ऑफ कबड्डी, दे आर गोइंग टू बी कम्पीटिंग फॉर देयर बेस्ट रिजल्ट्स। ये चीजें जब हो रही होती हैं तो इसके बैक एंड पे अगर आप देखें पूरा साल जो कबड्डी के प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे, अब यहाँ पे उनका जब कंपटीशन हम करेंगे तो हम वो जो विलेज हेरिटेज या हमारा वो पुरानी सकाफत थी उसको हम एक हवाले से जिंदा कर जरूर करेंगे। ठीक हो गया, अच्छा दोबारा से आपके जाने आऊंगी सादिया। अभी हमने न्यू वेंचर की आपकी बात की नहीं है, बेसिकली वो क्या है और कब तक एक्सपेक्टेड है? जैसे मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया कि मैंने एक फैशन सीरीज ब्लिंगेटॉन के हवाले से निकाली है और बहुत सारे फैशन ब्रांड्स को मैंने रैंप पे जगह दी थी, जिसमें टीनेज ब्रांड्स थे, बच्चों के ब्रांड्स थे और म्यूजिक और बड़ा एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट का मैंने तड़का लगाया था, बड़े ब्रांड्स भी थे, छोटे ब्रांड्स भी थे। अब अक्टूबर ब्लिंक हो गया, जनवरी ब्लिंक हो गया, अब मैं एक स्प्रिंग ब्लिंक के नाम से एक फेस्टिवल आ रही हूँ, इट्स गोना बी अ मेगा फूड इवेंट विद द तड़का ऑफ म्यूजिक, लेकिन अगेन उसका जो डेकोर है और उसकी थीम है वो एक टेबल कुर्सी से हट के होगी, दैट्स अनदर सरप्राइज। A lot of good food brands with a lot of known singers, known as Spring Bling. It's coming in March. Spring Bling. Okay, yes. Perfect. That's my new venture. और उसके बाद भी 2-3 pipeline में fashion projects वो ऐसा ऐसा हम उसको करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। अगर आपके जाने मांगी किस तरह का मेकअप किया और क्या अभी आप इन प्रोसेस क्या चल रहा है
अभी मेकअप डन हो चुका हुआ है. ओके, ये सॉफ्ट पार्टी मेकअप है. ठीक है, क्योंकि आजकल लड़कियां जरा नेचुरल लुक पसंद करती हैं, जरा सॉफ्ट लुक ब्लेंडेड में, तो मैंने इनको न्यूड्स में दिया है. लाइट सा ग्लिटर दिया, आईज क्लोज करें. ठीक है, ये बस बहुत लाइट ग्लिटर का इस्तेमाल किया मैंने, लाइट शेड्स का इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं. अच्छा, कुछ खवातीन को ग्लिटरी आईज पसंद है, कुछ बहुत मैट में भी जाना चाहती हैं, और फैशन और जो के लिए पार्टी या ब्राइडल टोटली डिफरेंट एक डोमेन होती है. फैशन में किस तरह का मेकअप होता है, कॉन्टोर और उसके हवाले से क्या आप टेक्निक्स यूज करते हो? हम मॉडल मेकअप जो होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, पार्टी मेकअप डिफरेंट होता है, हर बंदे की अपनी एक चॉइस होती है. ठीक है, हमें वो देखना होता है कि कस्टमर की डिमांड क्या है, हमें उसको पूरा करना है. लवली. ठीक है, तो हैवी कॉन्टोर भी चलता है, लाइट कॉन्टोर भी चलता है. डे टाइम में हमें थोड़ा सा लाइट शेड यूज करने चाहिए. कॉन्टोर शुड बी ब्लेंडेड. I've seen so many girls with their lines in disasters. जो मतलब आप contour करो, makeup is basically meant to look more beautiful. Beautiful. और आप अपनी skin tone में बेहतर लग सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा white होकर बैठ जाएंगे तभी आप प्यारे लगेंगे. I disagree. Of course. Of course. ठीक हो गया. अच्छा जनाब, सर आपकी जानिब दोबारा आएंगे, चूंकि हम ये भी बात कर रहे थे कि इस तरह की एक्टिविटीज डेफिनेटली हम ऑन एंड ऑफ देखते रहते हैं, लेकिन कल्चरल टच के साथ बहुत कम हमें देखने को मिलती है. तो अभी जो 25, 26 और 27 को होने वाला है, क्या इसका प्रोसीजर है, एंट्री एंड ऑल दैट, इस हवाले से भी थोड़ी हमारी पब्लिक को गाइडेंस दें. इसमें हमने बहुत से लोगों को इन्विटेशन, दिस इज अ फैमिली इवेंट. वी इनकरेज फैमिलीज टू कम आउट अलॉन्ग विद देयर किड्स एंड देयर एक्सटेंडेड फैमिलीज. वो सारे ग्रुप की सूरत में वहाँ पे आए. वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, टेंट पैगिंग है, कबड्डी है, इसके साथ साथ one of the days Abrarul Haq is coming. Oh, and that would be a good concert. Along with him there are so many other singers. Lekin Abrarul Haq ka naam mere zehen mein aa raha tha ki wo bhi lena chahiye. Jitne log, ye sare din ki activity hai, whatever time to whatever time, sab matlab as we speak it is already started there, aur wo flag ceremony aur wo initially wo shuru ho gaya hua hai. Is waqt bhi main daawat deta hu tamam tar nazreen ko ke wo jaye aur jaake dekhein. It is not far away. It is, aur aap एक डे आउट किस्म की चीज लेते हैं और उसके बाद एक फैमिली के लिए जबरदस्त एंटरटेनमेंट है. इट्स वीकेंड तो यू कैन गो विद योर फैमिली. वेयर यू कैन गो विद योर फैमिली. फिर देन मोटोक्रॉस है, जो मोटर बाइक्स का ट्रैक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, वो भी बना हुआ है. वो भी लोगों को वहाँ पे देखने का मौका मिलेगा. उस ट्रैक के ऊपर वो लोग चला रहे हैं. लाइव खवातीन पराठे बना रही हैं. साग का सीजन है इस वक्त, साग बन रहा है, औरत दाने भून रही है. सो ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव इन विलेज, वो आपको लाइव वहां पे देखने का मौका मिलेगा. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच लेडीज, बहुत शुक्रिया आपका भी. सर आपका भी बहुत शुक्रिया. और जनाब, ये जो इवेंट होने वाला है उस पे जरूर आप जाएं. फैमिली इवेंट होने वाला है 25, 26 और 27 को. और जनाब आप सबका भी शुक्रिया. सादिया विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच. और कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें? देखने वालों को मैं यही बेस्ट मैसेज देना चाहूंगी. एक तो सबसे पहले अपनी फिल्म के हवाले से ऑलरेडी दे चुकी हूँ. सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगी, जब भी कोई कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है, तो उसको उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है. बिकॉज देखिए, रूटीन की चीज करना इज लाइक वेरी इजी, यू नो. लेकिन जब आप किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, तो आपको लोगों की अप्रिसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत रिसीव हुई है. लेकिन जस्ट टू ऐड अ लिटिल मोर टू इट, कि आप हमारी पाकिस्तानी जनता जो ना, उसकी एक फितरत है कि वो क्रिटिक ज्यादा बन जाते हैं. हालांकि पता कुछ नहीं होता, बट एवरीबडी प्रिटेंड्स टू बी लाइक यू नो perfectionist and all, but still opinions होते हैं, but do encourage Pakistani content. They are working hard on it. वही चीज़ है, वो Indian screen पे या Indian platform पे देखने में उनको बहुत अच्छी लगती है. लेकिन अगर वही आप, trust me, there are most stupid movies that Indians made. तो please उनको भी अगर आप encourage करते हैं, तो आप पाकिस्तानी movies को तो definitely cinema को, इनके content को encourage करें. कोई भी individual या कोई भी company कोई नया concept लेके आती है, तो उसको और encouragement करें. और इसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान ऊपर जाएगा, तो सब ऊपर जाएंगे. लवली लवली. थैंक यू काशा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जनाब हम आपसे इजाजत लेंगे. उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा, और एक फैमिली इवेंट भी हमने आपको बता दिया, जो आप अपने वीकेंड पे जाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं. हम आपसे इजाजत लेंगे. इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल. फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, और इन केस आज का शो आपने मिस किया, तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा. और हमारा यूट्यूब चैनल है जागो लाहौर का, वहां पर भी अवेलेबल है. कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़.